अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, मैं शाकिर शेख, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मुंबई। आप सबको मैं बता दूं कि मुंबई की सारी मिल्ली तंजीमों ने अमन कमेटी में एक मीटिंग रख के ये तय किया था कि 6 अक्टूबर के दिन आज़ाद मैदान पर एक प्रोटेस्ट करेंगे, जो मौलाना करीम सिद्दीकी साहब, मौलाना गौतम उमर, इसी तरह से जो आसाम में जो जुल्म हुआ है, लखीमपुर में जो किसानों को कुचला गया और जो मॉब लिंचिंग के वाकयात जगह जगह पेश आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के उनका विरोध करते हुए हम लोगों ने आज़ाद मैदान पर 6 अक्टूबर को 3 से 4 बजे तक प्रोटेस्ट रखा था। लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस के साथ और कुछ कोविड की सिचुएशन को सामने रखते हुए, पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत करते हुए और उनको कॉन्फ्रेंस में लेते हुए आज ये तय हुआ है कि ये जो प्रोटेस्ट था 6 अक्टूबर का कल होने वाला, वो कल ही होगा और वही उसका 3 से 4 का टाइमिंग रहेगा। उसका सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है, वो आज़ाद मैदान की बजाय इस्लाम जिम खाना में वो रखा गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिम्मेदारान को वहां भेजें, बाकी ज्यादा लोगों के आने की जरूरत नहीं। जो बाकी ज्यादा लोग है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने तासुरात हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, तो आप घर ही पर रहकर दुआ कीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभिषेक साहब ने फरमाया, हम लोग इसमें इस मुद्दे पर 10-12 दिन से मेहनत कर रहे थे, लेकिन हालात जो कहता है कोविड का हालत भी चले और अभी तक पूरा लॉकडाउन पूरा नहीं है, तो इसी के मुद्दे नजर रखते हुए हमने इस वीनो को जॉइंट सी पी साहब और हमारे डिशन सी पी जो है हमारे एसपीएम सी आई डी के चीफ है, उनसे बात हुई और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट पर उस महीने को चेंज करके इस्लाम निभाने में रखा इंशाल्लाह। और मुद्दा वही हमारा कलीम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, आसाम का जो जुलूम हुआ उसका है, और कल हमारे किसान भाइयों को जो कुचल दिया गया बरबजत की गई मिसाल में, उनकी जो एक जालिमाना हरकत की गई और बाद में उसमें मॉब लिंचिंग का मसला है, वो भी हम इंशाल्लाह उसमें लेंगे। तो ये सिम्बोलिक प्रोटेस्ट रहेगा इंशाल्लाह, और तमाम जो जिम्मेदार एनजीओस को हमने कहा उनसे, उन्हीं के लिए हमें अपील कर रहे हैं कि आप वक्त मुकर्रर पर 3 बजे पहुंच जाए इंशाल्लाह, 3 से 4 का हमारा वक्त है, और एकदम पीसफुली आइए और पीसफुली और पूरा जो कोरोना की हमारी गाइडलाइन है को फॉलो करते आना है। शुक्रिया, सलाम अलैकुम।